होगा लाल। लेकिन अगर हम आपको ऐसे मासूम के बारे में बताएं जिसके खून का रंग लाल नहीं सफेद है, तो शायद आप हमारी बात सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, ये आश्चर्यचकित करने वाली खबर 100% सही है। और ये मासूम बालिका खेतिया की रहने वाली है। पहली बार जब उसका खून चेक किया गया तो उसका रंग लाल के बजाय सफेद निकला, जिस पर से उसे मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बीमारी का पता लगाने के लिए उसके खून का सैंपल ब्रिटेन जांच के लिए भेजना होगा। सफेद खून हो जाना, ये मुहावरा तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने सफेद खून वाले किसी शख्स को देखा है? तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ना होगा, लेकिन हम आपको जो खबर दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी मासूम से मिलाएंगे जिसके शरीर में खून का रंग लाल नहीं सफेद है। अशोकनगर खेतिया के रहने वाले इमरान की 1.5 साल की मासूम अनाया को बीमारी के बाद खून का सैंपल लिया गया तो उसका रंग लाल की बजाय सफेद निकला, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी चौंक गए और धुलिया के अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे मुंबई के अस्पताल जांच के लिए भेजवाया। वहां से उसके खून का सैंपल ब्रिटेन जांच के लिए भेजा ताकि उसके रंग या फिर उसकी बीमारी का पता चल सके। इमरान बताते हैं कि परिवार में सिर्फ 1.5 साल की बेटी के खून का रंग ही सफेद है, बाकी सभी का खून नॉर्मल है। बच्चे के खून का एक सैंपल ब्रिटेन भेजा गया, लेकिन देरी होने के कारण वो खराब हो गया, जिससे बीमारी का पता नहीं चल पाया है। अब डॉक्टरों का कहना है कि खून के सैंपल को ब्रिटेन भेजना पड़ेगा ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके। उसको हल्का सर्दी बुखार हुआ था तो हम सादा लेके गए थे रिजवानी मंसूरी के पास, तो वहाँ पे उन्होंने बोला यार इसको 4-5 दिन से बुखार आ रहा है, बोले इसका ब्लड टेस्ट करवा लेते। वहाँ ब्लड टेस्ट करवाया तो वाइट खून निकला वहाँ, तो फिर उन्होंने रिपोर्ट देखी, बोले यार इसको बोले अभी कुछ मेडिसिन दे देते, बोले इसको तुम धुलिया ले जाओ संजय जोशी सर के पास, वहाँ पे बोले जांच वाच करवा के वो ट्रीटमेंट दे देंगे। वहाँ जांच कराई तो वहाँ पे भी वाइट खून निकला, तो संजय जोशी सर ने बोला इसको बॉम्बे के एम हॉस्पिटल में लेके जाओ। वहाँ ले गए तो वहाँ भी 20-25 जांचें हुई, 10 दिन तक हम वहाँ रहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला यार इसका एक सैंपल बोले ब्रिटेन जाएगा, बोले तो उसका एक सैंपल निकालना पड़ेगा, तो हमने सैंपल निकालने दिया उनको। फिर उस सैंपल ब्रिटेन गया तो वहाँ जाते जाते सैंपल रिजेक्ट हो गया, उसकी कुछ रिपोर्ट नहीं आ पाई, तो फिर उन्होंने बोला यार बोले इसको बोले यहाँ रखना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, जिस दिन सैंपल जाएगा उस दिन इसका अपन हाथों हाथ निकाल के सैंपल भिजवा देंगे। तो परेशानी के कारण वहाँ रुक नहीं पाए। कितने वर्ष की आपकी बालिका? 1.5 साल की। परिवार में और किसी का सफेद खून है? एक ही बालिका का। आज भी ना वहाँ बम्बई में सबकी जाँच करी, सबके नॉर्मल रिपोर्ट।